So, good morning students, we are here for same chapter, The World in a Wall, chapter number 1, page number 3, start from here. But my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. लेकिन मेरी मनपसंद दीवार के आबादी के शर्मीले तरीन अरकान थे जो किसी तरह की तवज्जो के तालिब ना थे. दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे. यू हार्डली एवर सो वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, जब तक कि आप खसूसी तौर पर तलाश ना करते. ये इनमें से किसी को बमुश्किल ही देख सकते थे. एंड येट देर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और इसके बावजूद दीवारों की दरारों में ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद होंगे. इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, अगर आप ईंट से ढीले प्लास्टर का टुकड़ा नरमी से उठाते तो वहाँ पर देयर क्राउचिंग बनीथ इट, वहाँ पर इसके नीचे दबका हुआ एक इंच वुड बी अ लिटल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, देखने में ऐसा जैसे इसे पॉलिश किए हुए चॉकलेट से बनाया गया हो. देवर वेट लुकिंग थिंग्स, अपने चिपटे बेजवी जिस्मों विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज देयर नीट क्रुकेड लेग्स द इन्यूमरस कब लाइक क्लोज बल्बस and neatly jointed as armor and the tail like a string of brown beads ending in a string like a rose thorn. साफ़ सुथरी खमीदा टांगों, बड़े बड़े केकड़े नुमा पंजों, कटीले और ज़रा बख्तर के तौर पर सफाई से जुड़े हुए और बुरे मोतियों की लड़ी जैसी दुम जो गुलाब के कांटे जैसे डंग पर ख़त्म होती थी. द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली एज यू एग्जामिन्ड हिम, ओनली रेजिंग हिज टेल एज अ वार्निंग साइन इफ यू ब्रीथेड टू हार्ड ऑन हिम. के साथ वो अजीबोगरीब मखलूक नज़र आते. आपके मुआयना करने के दौरान बिच्छू खामोशी से अपनी जगह पड़ा रहता, सिर्फ इसी वक्त के तौर पर अपनी दुम उठाता अगर आपकी सांस ज़्यादा ज़ोर से इससे टकराती. देन वन डे, एक दिन, आई फाउंड फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, मैंने एक मोटी सी मादा बिच्छू मिली wearing what at first glance appeared to be a pale fan fur coat, ऐसी चीज़ पहने हुए जो पहली नज़र में एक हल्के खाक सतरी रंग का स्मूरी कोट मालूम होती थी. Closer inspection proved that this stranger garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. करीब मायने पर साबित हुआ कि ये अजीब लिबास माँ की कमर से चिमटे हुए छोटे छोटे बच्चों के हजूम पर मुश्तमिल था. आई वॉज एनरैप्चर्ड बाई दिस फैमिली एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल देम, इस कुनबे को देखकर मैंने ख्वाहिश की, मैंने फैसला किया कि इन्हें छुपाकर अपने घर में into the house अपने घर में ले जाऊँगा and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up.
और भलाई मंजिल पर अपनी ख्वाबगाह में ले जाऊंगा ताकि मैं इन्हें पाल सकूं और इन्हें बढ़ता हुआ देख सकूं। विद इन्फिनेट केयर आई मूव्ड द मदर एंड फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स। नहायत एहतियात के साथ मैंने माँ और कुनबे को एक माचिस की डब्बी में डाला एंड देन हरीड टू द विला और फिर जल्दी जल्दी विला पहुँच गया।